हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौर है। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2022 बुलेट टीवीएस स्पोर्ट, और आज की वीडियो में करने वाले हैं इस बाइक का रिव्यू। ये जो बाइक है, इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगा, ये जो बाइक है, इसकी जो प्राइस वगैरह कितनी क्या इंक्रीज हो गई है, और ऑन रोड प्राइस वगैरह क्या है इस बाइक की। ऑल ओवर काफ़ी सारा इसका डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इस बाइक के अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपडेट दिया गया इस बाइक में, उसके मीटर कंसोल में आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटेलिगो का फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये फंक्शन कैसे क्या काम करता है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है। जैसे आप बाइक को चलाते हो, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो, तो आपकी बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। उसके बाद जैसे आप एक्सेलेटर देते हो, आपकी बाइक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला सिस्टम आपको टीवीएस स्पोर्ट में देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा फीचर किया गया टीवीएस की तरफ से। और इस बाइक के बारे में मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि बाइक जल्दी ही आने वाली है। और आज मैं यार टीवीएस के शोरूम पर आया था अपनी बाइक को लेकर, थोड़ा चेन वगैरह टाइट वगैरह करवाने आया था, तो ये बाइक मेरे को मिल गई। तो इसके बारे में और डिटेल वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा बड़ा अपडेट किया गया इसके मीटर कंसोल में, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये साइड स्टैंड का आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर मैंने ये कहा था आपको कि ये इसमें जब इस बाइक में ये सिग्नल ये इंडिकेटर आएगा, तो इसमें हो सकता है कि साइड स्टैंड जब नीचे होगा तो आपकी बाइक में ये आपको यहाँ पे दिखाएगा इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे टीवीएस ने काफ़ी अच्छी चीज़ करी है, ये एक साइड स्टैंड का इंडिकेटर ही नहीं है, इस बाइक में इंजन साइड कट ऑफ सेंसर ऐड कर दिया गया है। और ये अभी मैं आपको लाइव एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अपने भाई बाइक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दो यार, इसमें सेल्फ नहीं तो किक से स्टार्ट कर रहे हैं, बस छोड़ दो एक बार। तो यहाँ पे बाइक स्टार्ट है, और जैसे ही इसका साइड स्टैंड नीचे करेंगे, बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और टीवीएस की तरफ से यार जो सेफ्टी फीचर है यार, काफ़ी मतलब टाइम बाद इसमें दिया गया है, जिसकी डिमांड थी इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा। तो अभी एक बार आपको नीचे करके दिखा देते हैं, नीचे कर दो भैया। तो आप देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पे साइड स्टैंड नीचे हुआ है, बाइक ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा अपडेट किया गया इस बाइक के अंदर। यहाँ पे शायद ये सेंसर इन्होंने अलग से ऐड किया है, जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये ऐड किया है यहाँ पे सेंसर। बाकी इस बाइक के बारे में कुछ बात करें तो ग्राफिक्स वगैरह सब सेम है, जैसा आप देख सकते हो ग्राफिक्स पहले वाले हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें फ्रंट में यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाते हैं, जो कि नाइट के टाइम में काफ़ी शानदार वर्क करते हैं। और ये जो यहाँ पे बटन दिया गया, इससे आप इसकी हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बटन दबा के ऑन कर दिया है और फिर से ऑफ कर दी है, ये ऑन कर दिया है मैंने, फिर ऑफ कर दिया है। तो इससे क्या, जैसे आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो, तो सिर्फ आपकी ये DRL ऑन होगी और आपकी हेडलाइट ऑन नहीं होगी। आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि यार एक काफ़ी शानदार चीज़ है। बाकी थोड़ा सा आपको इसके मैं साउंड भी एक बार सुना देता हूँ, साउंड आप नोटिस करना कैसी क्या साउंड है इस बाइक की। इसके अलावा जो इंडिकेटर वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बल्ब टाइप इंडिकेटर हैं। इसके अलावा फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। टायर्स वगैरह आपको सेम जो पहले देखने को मिलते थे, सेम टायर अभी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी सीट वगैरह भी पहले वाली, इसमें कोई अपडेट नहीं है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें इधर, तो यहाँ पर बल्ब टाइप आपको बैकलाइट देखने को मिल जाती है। ये फिर से यहाँ पर आपको बल्ब टाइप इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और जो साइलेंसर है, काफ़ी शानदार साइलेंसर है यहाँ पर, और पूरा यहाँ पर क्रोम प्लेटेड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पे साइलेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी इंजन में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, जो पावर वगैरह आपको पहले मिलती थी, सेम पावर आपको अभी भी टीवीएस स्पोर्ट में देखने को मिल जाती है। पावर फिगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्यूल टैंक वगैरह भी सेम है। बाकी जो भी दोनों बड़े अपडेट हैं मैंने आपको दिखा दिए, वो इसके मीटर में है। यहाँ पर इंटेलिगो का सिस्टम ऐड किया गया है, और इसके अलावा इस साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी इसमें ऐड कर दिया है। बाकी मीटर कंसोल ऐसा है, यहाँ पर आपको पावर मीटर देखने को मिल जाता है। ये न्यूट्रल की लाइट है, ये इंडिकेटर है हाई बीम लो बीम, और यहाँ पे किलोमीटर स्पीड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर स्विच है, ये हाई बीम लो बीम है। यहाँ पे पास लाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्न देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जब आप लेते हो, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपकी DRL लाइट वगैरह ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यार एंड में बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में, कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है हमारे जयपुर में, वो है अप्रोक्स 65,000 रुपये। और इंक्रीज़ की बात करें तो अप्रोक्स 1000 की जो प्राइस है इसके अंदर इंक्रीज़ हुई है, वो ज़्यादा प्राइस यहाँ पे टीवीएस ने नहीं बढ़ाई है। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी बाइक है, इसमें माइलेज काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। और अब तो फीचर्स भी काफ़ी शानदार ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि साइड स्टैंड वाला फीचर हो गया, इंटेलिगो वाला फीचर हो गया, तो काफ़ी अच्छी बाइक अपन इसको कह सकते हैं। तो यही था इस बाइक का ऑल ओवर रिव्यू।
एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी ये जो बाइक है काफ़ी लिमिटेड शोरूम में भी आपको अवेलेबल हो पाएगी, और जयपुर से अगर आपको लेनी है, जयपुर से आप बिलोंग करते हैं, तो ओम साई टीवीएस से आप ये जो बाइक है परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो बाइक है अवेलेबल है, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। शोरूम की सारी डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और बाकी कुछ बातचीत करो किसी भी बाइक के बारे में, कुछ डाउट वगैरह हो तो स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, इंस्टा पे आप किसी भी बाइक के बारे में मेरे से डिटेल से बात कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।